हाय फ्रेंड्स, आज हम बिंदी और अंडा सब्जी बनाएंगे। उसके लिए पहले मैंने यहाँ 300 ग्राम बिंदी लिया है, अच्छे से धो के इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट के बाउल में डाल दिया। अब एक चम्मच तेल, थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच नमक डाल के फ्राई कर रही हूँ। लो फ्लेम में ही फ्राई कीजिएगा। इस तरह फ्राई करेगा तो इसमें चिपचिपापन होती है ना, वो निकल जाएगा। बस 4-5 मिनट के लिए ऐसा फ्राई कीजिएगा। उसके बाद दूसरा बाउल में 2-3 चम्मच तेल डाल के एक प्याज को इस तरह काट लिया। अब वो फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा। अब एक टमाटर को भी छोटे छोटे पीसेस में काट के डाला है। अब थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच नमक, नमक हमने भिंडी में भी डाला ना, इसीलिए थोड़ा सा ही डालिएगा। इस तरह फ्राई होना है। टमाटर अच्छे से फ्राई होने के बाद अब हम भिंडी डाल लेते हैं। पहले फ्राई किया हुआ भिंडी डाल लेते हैं। उसके बाद 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में फ्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ मिर्ची नहीं डाला है, आप चाहे तो आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2-3 मिनट तक फ्राई करने के बाद 4 अंडा डालिएगा, 4 या 5 आपकी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैंने यहाँ 4 अंडा डाल लिया है। अब लो फ्लेम में ही मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अगर आप हाफ बॉयल खाना चाहता है तो इस तरह आने के बाद स्टोव को बंद कर दीजिए। अगर आपको हाफ बॉयल पसंद नहीं है तो और थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा। देखिए अब तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।